कौशाम्बी जिले में भी ईसाई मिशनरियों का मकर जाल फैला हुआ है। हिंदूवादी संगठनों का आरोप है कि चंगई सभा में हार्ट अटैक, कैंसर, लकवा जैसी घातक बीमारियों को झाड़ फूक के नाम पर ठीक करने के बहाने हिंदू परिवारों का सामूहिक धर्मांतरण किया गया। मामला पिपरी थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर पुरैनी गांव का है और आरोप है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को झाड़ फूक के नाम पर घातक बीमारियों को ठीक करने के बहाने पहले चंगई सभा में बुलाकर उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। जब लोग पास्टर के झांसे में आ जाते हैं तो वो उनका धर्मांतरण कर ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ है बाइबल देकर उन्हें घर भेज देता है। और मामला पिपरी थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव का है। मामले में एडिशनल एसपी ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। एक वीडियो आप द्वारा दिखाया जा रहा है जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि कुछ एक आध लड़की और कुछ महिलाएं हैं, कोई कार्यक्रम हो रहा है उसमें लेट जाती हैं और एक आदमी उनको कुछ इलाज टाइप का कुछ कर रहा है। इस वीडियो की पूरी तरह जांच कराने के लिए क्षेत्राधिकारी चायल को बताया जा रहा है, बताया गया है, वो जा रहे हैं, देख के बताएंगे कोई कहाँ का वीडियो है और क्या कार्यक्रम हो रहा है वहाँ, किस टाइप की वहाँ सभा होती है। जो सच्चाई होगी, अंधविश्वास फैलाने या धार्मिक परिवर्तन की बात होगी तो उस पर तत्काल विधि कार्रवाई। धर्मांतरण को लेकर के मैंने जिले में कई बार उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत किया, फोन के माध्यम से भी किया। ये फतेहपुर में इसकी जब कार्रवाई शुरू हुई तो वहाँ के जो लोग थे वो आकर फतेहपुर और के लोग कौशाम्बी और प्रयागराज में आकर शरण ले लिए। और वही लोग बिलाल के माध्यम से जुड़ा हुआ कोई संजय मसीह नाम का व्यक्ति है जो कि प्रयागराज और कौशाम्बी में बड़ी पैमाने पर